नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जेस्ट 2019 में जो थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो देखिए, जो क्वेश्चन का जो स्क्रीनशॉट है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। मैं क्वेश्चन को एक बार रीड करता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा, कंसिडर डायटोमिक मॉलिक्यूल विथ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल स्पेस्ड नॉन डिजनरेट एनर्जी लेवल्स। हमें जो एनर्जी लेवल है वो हमें दे रखे नॉन डिजनरेट एनर्जी लेवल दे रखे हैं। नॉन डिजनरेट का मतलब कि जो भी हमारे पास जो एनर्जी लेवल है उनका जो रिपीटेशन है वो नहीं हो रहा। जो प्रत्येक एनर्जी लेवल है वो केवल एक बार ही आ रहा है, तो इसका वह नॉन डिजनरेट इसका अर्थ हो गया। अब देखिए उसके आगे क्या दे रखा है, द स्पेसिंग बिटवीन एनी टू एडजेंस लेवल इज एप्सिलॉन एंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी जीरो। अब ये कह रहा है कि जो हमारे ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी है जीरो, और दो एनर्जी लेवल के बीच में जो एनर्जी का गैप है वो एप्सिलॉन का, ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी है फर्स्ट या सेकेंड, इसकी टू एप्सिलॉन, दो एनर्जी लेवल का जो गैप है उसके भी जो एनर्जी का है वो एप्सिलॉन का अंतर है। अब देखिए, अब ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन जेड। तो ये सिंगल पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन पूछ रहा है। अब देखिए तो हम इसको किस तरह सोल्व करेंगे। चलिए जो हमारे पार्टिकल का जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो होता है जेड इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई जी आई, जब यहाँ पर जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बीटा ई आई, यहाँ पर तो जी आई है वो है डिजनरेसी, यह है डिजनरेसी, और जो ई है वो ई आई है यहाँ पर एनर्जी, ये एनर्जी को डिनोट करता है। अब देखिए सर, यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में कह रखा है कि जो डिजनरेसी है वो नॉन, जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं वो नॉन डिजनरेट हैं, तो जो डिजनरेसी है वो वन। अब देखिए पार्टीशन फंक्शन किस तरह होगा, जी आई जो हमारी डिजनरेसी है वो नहीं है, तो हम ये नॉर्मली वन इंटू ई टू दी पावर माइनस बीटा फर्स्ट जो हमारी एनर्जी लेवल है वो उसकी एनर्जी है जीरो, उसके बाद दो जो एडजेंस्ट एनर्जी लेवल है उनके बीच एनर्जी है एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन। अब देखिए जो फर्स्ट, ये है फर्स्ट एनर्जी, ग्राउंड जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है वो जीरो प्लस वन इंटू ई टू दी पावर माइनस बीटा, इसकी एनर्जी एप्सिलॉन प्लस वन इंटू ए टू दी पावर माइनस बीटा टू एप्सिलॉन। अब इसको सोल्व, अब आपको पता होगा कि जो हमारे ए टू दी पावर माइनस जीरो इसकी वैल्यू होती है वन, तो वन प्लस वन इंटू ए टू दी पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस ये एंड प्लस एंड सो, उसके बाद वन इंटू ए टू दी पावर माइनस टू बीटा एप्सिलॉन, तो ये होगा माइनस टू बी माइनस टू बीटा एप्सिलॉन। अब देखिए ये जो हमारी सीरीज़ है वो एक इनफाइनाइट सीरीज़ बन रही है, तो इनफाइनाइट सीरीज़ का जो सम होता है, सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज़ वो कुछ इस तरह का होता है, ए वन माइनस आर, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज वो होता है वन
ए वन माइनस आर, यहाँ पर ए डिनोट करता है फर्स्ट टर्म को और आर है वो जो उनके मध्य जो डिफरेंस है उनको डिनोट करता है। तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट टर्म है आर को आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं, आर होता है वो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो वन आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आप थर्ड टर्म और सेकंड टर्म से ज्ञात करना चाहें तो ए टू द पावर माइनस टू बीटा एप्सिलॉन अपॉन ए टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, तो आएगा ए टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। तो अब इसको यहाँ पर पुट कीजिए, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो वन वन माइनस आर की वैल्यू हमारे पास ई टू दी पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। और आपको पता होगा जो बीटा होता है वो हमारा इनवर्स टेम्परेचर होता है, तो बीटा पर वन अपॉन के बी टी ये भी लिख सकते हैं। तो जेड इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस ई टू दी पावर माइनस वन अपॉन के बी टी ये एप्सिलॉन, ये हमारा सिंगल पार्टिकल के लिए जो पार्टीशन फंक्शन है वो आ गया। अब देखिए ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या क्या, हमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है जो पार्टीशन फंक्शन जेड इक्वल्स टू वन माइनस वन अपॉन ई टू दी पावर माइनस के बी टी, ऑप्शन बी है जेड इक्वल्स टू वन अपॉन ई टू दी पावर माइनस बीटा या एप्स ई टू एप्सिलॉन अपॉन के बी टी, ऑप्शन सी है हमारे पास जेड इक्वल्स टू वन अपॉन ई वन माइनस ई टू दी पावर टू एप्सिलॉन अपॉन के बी टी, और ऑप्शन डी है जेड इक्वल्स टू वन माइनस एप्सिलॉन अपॉन के बी टी। तो वन प्लस एप्सिलॉन अपॉन के बी टी। तो अब देख लेंगे जो हमारा कोई भी एप्स जो ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा, तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन में कोई सभी में मैच नहीं कर रहा था, और इसका जो राइट आंसर है वो कुछ इस तरह का होगा। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। होप करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा कि किस तरह हम एक जो हमारा पार्टिकल का जो पार्टीशन फंक्शन है वो किस तरह डिफाइन करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो यहाँ तक देखने का आपका धन्यवाद।